नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति मिश्रा और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के रिजल्ट में थर्ड रैंक होल्डर पंजाब की गामिनी सिंगला की। गामिनी सिंगला ने तीसरी रैंक हासिल की और ये उनकी दूसरी कोशिश थी। आपको बता दें कि गामिनी ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी कठिन मेहनत और सेल्फ स्टडी को दिया। उन्होंने हर दिन 9 से 10 घंटे पढ़ाई की और पटियाला में कोचिंग ली थी, लेकिन उनका कहना था कि उनका असली फोकस सेल्फ स्टडी पर ही था। उन्होंने अपनी सफलता के पीछे अपने पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को भी हाईलाइट किया, जो उनके लिए हमेशा एक मेजर सोर्स ऑफ सपोर्ट थे। गामिनी का मानना है कि महिलाएं अगर मेहनत और डेडिकेशन से काम करें तो कोई भी गोल अचीव कर सकती हैं। उनका कहना था कि 2021 के यूपीएससी रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पुरुषों से कम नहीं है। गामिनी ने ये भी कहा कि ये मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। गामिनी ने अपनी पढ़ाई में 9 से 10 घंटे हर दिन डेडिकेट किए और उनका मानना था कि कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने अपने प्रिपरेशन में अपने पिता को बहुत बड़ा योगदान माना, जो अपने करियर में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर है। गामिनी ने सोशियोलॉजी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया था और उन्होंने कहा था कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट गेन किए, जो उनको एग्जाम में हेल्प करते थे। 2021 के यूपीएससी रिजल्ट में गामिनी के साथ साथ श्रुति शर्मा ने फर्स्ट रैंक और अंकिता अग्रवाल ने सेकेंड रैंक हासिल की, जो ये दिखाते हैं कि महिलाएं भी किसी भी फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। गामिनी की सफलता ने सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये प्रेरणा दी है कि अगर किसी में लगन हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। गामिनी ने अपने करियर का रुख इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस की तरफ रखते हुए कहा, मुझे देश की सेवा करना है और लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। उनका ये सपना पूरा होने पर उन्होंने अपनी मेहनत और अपने परिवार का धन्यवाद किया। यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में 685 कैंडिडेट्स में से 177 वुमेन कैंडिडेट्स ने भी सफलता हासिल की, जो एक नया प्रेरणा का स्रोत बन गया है। गामिनी सिंगला की सफलता हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक मिसाल है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर किसी में लगन और मेहनत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को सच किया जा सकता है। गामिनी की ये कहानी उन सभी एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल एग्जाम्पल है, जो अपनी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स को अचीव करने का सपना देख रहे हैं। तो अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ऐसी सक्सेस स्टोरी जरूर देखिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और ऐसी स्टोरीज मिलेंगी आपको आर एजुकेशन पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।